आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इलेक्ट्रॉनिक सिंह में। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस ट्रक को। देखिए मैं आपको पहले इसकी प्रॉब्लम बता देता हूं। तो देखिए यहां से ये इसका ये वाला पार्ट टूटा हुआ है। मैं पार्ट है हमारा जो कि प्रॉब्लम कर रहा है हमारा, ठीक है। देख लीजिए आप ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से टूट चुका है। यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ से ये टूट चुका है हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि इसे ठीक करना है और प्रॉपर इसे फिक्स करना, पहले की तरह ये वर्क करे। और देख लीजिए मैं इसमें एक बार आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम भी क्या आ रही है और इसके आगे का ये जो पार्ट है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो देखिए अभी मैं इससे आगे कर रहा हूँ तो ये हमारा आगे चल रहा है, पीछे कर रहा हूँ तो मैं पीछे चल रहा हूँ हमारा, ठीक है। अब मैं यदि इसे देखिए लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं, देखिए हल्का 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 ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसे भी ठीक करना है क्या प्रॉब्लम है, और इसका जो ये प्लास्टिक का हिस्सा टूट गया है तो इसे भी ठीक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। This is the future. तो ओपन करता हूं मैं इसे। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। तो अभी हमने चारों के स्क्रू को खोल लिया है। देखिए इसकी क्या कंडीशन है, आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी भरी हुई है। तो हम इसे साइड में रख देंगे और इसे थोड़ा सा साफ करेंगे। देखिए हमारी स्प्रिंग है ये भी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो इसे भी निकालेंगे यहां से, क्योंकि जब तक हमारी सारी चीजें प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तब तक हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्प्रिंग है जो कि सेट नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे सेंटर में रख लेंगे। यहां पर इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसे सेंटर में रख लेंगे। अब सेंटर में रखने के बाद में अब हम इस स्प्रिंग को ऐड करेंगे। यह स्प्रिंग हमारी इस पार्ट को नीचे की तरफ से घुमाती है, तो अभी हम इस स्प्रिंग को फिक्स करेंगे यहां से। स्प्रिंग हमारी इस तरीके से चली जाएगी नीचे की तरफ। तो हमने ये सिलाई मशीन वाला ऑयल यूज़ किया है इसके अंदर, तो अभी हमारा पैक कर दिया हमने और ये प्रॉपर देखिए वर्क कर रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट जिसमें हमारा इसमें तो हमारा गियर ये जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें हमारा ये टूटा हुआ है, तो हमें इसमें भी इसी तरीके से एक बनाना पड़ेगा पार्ट। देख लीजिए ये वाला, तो ये किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ से देखिए पूरा ही टूट चुका है ये। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, स्कील को। तो चलिए मैं स्कील को बाहर निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे किस तरीके से बनाएंगे हम। तो अभी हमने देख लीजिए स्कील को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमारा कोई भी इसमें ग्लू वगैरह है वो फैलने नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ले लेंगे ये कहाँ से लिया मैंने, जो हमारी साइकिल की स्पोक आती है उसके अंदर से मैंने निकाला है। साइकिल स्पोक जो आती है उसके अंदर ये होता है, तो हम इसको लेंगे और इसे यहाँ पर लगाएंगे हम, देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा लेंगे, जो भी कोई फेविक्विक वगैरह हम यूज़ करते हैं उसे लगा लेंगे। तो मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ, आप सुपर ग्लू अब किस तरीके से रुकेगा ये वो मैं आपको समझाऊंगा, देखना। तो अभी मैंने यहाँ पर सुपर ग्लू लगा लिए जिस पे मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। अभी हम केवल इसे रोकने के लिए लगा रहे हैं ताकि हमारा ये रुक जाए, बाद में हम इसे फिक्स करेंगे, परमानेंट करेंगे। तो परमानेंट कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने एक धागा ले लिया है, धागा लेने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए इसे हमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक राउंड लेके और इसे नीचे की तरफ लगा देंगे इस तरीके। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सुपर ग्लू की मदद से इस पे सुपर ग्लू डाल देंगे जिससे धागा हमारा टाइट हो जाएगा।
तो ये अब हमारा निकलेगा भी नहीं और ये हमारा लगभग बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने भरा दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम एक परमानेंट मार्कर ले लेंगे। इस परमानेंट मार्कर से हम इसे ब्लैक ब्लैक कर देंगे। तो चलिए मैं इसे ब्लैक ब्लैक कर देता हूँ। तो देख लीजिए हमने इसे किस तरीके से बना दिया है, अभी हमारा परमानेंट हो चुका है। तो ये अभी हमारा तैयार है मामला। ठीक है, तो अब हमें इसे वापस से फिक्स करना है। तो देखिए ये हमारा टायर इस तरीके से है और ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा आगे की तरफ, मतलब यहाँ पे हमारा इस तरीके से फिक्स होना चाहिए। तो हमारा जो कील है वो इस तरीके से निकलेगा इसके अंदर से, यहाँ से। ठीक है, अभी यदि हम कील को पहले लगा के रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा फेविक्विक वगैरह इस पर लग जाती, और अब हम इसे फिक्स कर देंगे यहाँ से। देखिए ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट है। अब हम इसे सेट करेंगे। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे लगाएंगे हमारे इस पार्ट को जो कि हमने यहाँ से निकाला था। तो स्प्रिंग हमारी फिक्स कर दी थी हमने, और इस पार्ट को हम इस जगह पर फिक्स करेंगे, देखिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए अभी हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल भी डाल देंगे ये, ताकि हमारा और स्मूथली वर्क करे। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर हमारा वर्क करे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए इसको लगाना होगा, ये यहाँ पर इस तरीके से मूव करेगा, तो हमारा ये हिस्सा भी मूव करेगा पूरा, इसमें भी लगा देंगे। और देख लीजिए मैं एक बार आपको ये टायर को भी लगा के दिखाऊंगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इनको फिक्स करेंगे कि हमारा टायर किस तरीके से लगने वाला है। इस तरीके से ये इसके अंदर गया और ये हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया, और सेम हम ये टायर को भी इसी तरीके से लगा लेंगे। और ये हमारे यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर। और ये हमारा मोटर है जिसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखिए अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये हमारा मोटर है। तो ये अभी वर्क कर रहा है, अभी जब मैं इसे पैक कर दूंगा तो मैं आपको चेक कराता हूँ। चलिए तो अब हम इसे इस तरीके से इसके साथ पैक करेंगे। देखिए मैं किस तरीके से इसे सेट कर रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी इसे कर लेना है। ताकि ये बाहर की तरफ नहीं निकले। देखिए अभी हमने इसे लगा दिया है। अब देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी जब दो चार बार हमारी स्प्रिंग चलेगी तो ये हमारा सेट हो जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से जुड़ चुका है, कंप्लीट मैंने इसको कर दिया है। तो किस तरीके का लग रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ये हो गया है काम आपका। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, देखिए यदि मैं इसे लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट की तरफ जाता है। तो यदि चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।